अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अपने अपने घरों में ठीक हैं, खुश हैं और आबाद हैं। आज मैं इतनी खुश और पुरजोश किस तरह हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जी मैंने जाना है कहीं पर, और कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये मैं आपको कल की व्लॉग में बताऊँगी, आज नहीं बताऊँगी मैं। लेकिन खुशी मेरी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह पाक मेरी खुशी को सलामत रखे। तो चलें, मैं यहाँ पे करूँगी नाश्ते की तैयारी और फिर उसके बाद जो है ना मैं निकालूँगी जाने के लिए कपड़े, और क्या पहनूँगी, क्या वेयर करके जाऊँगी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे साथ रहना और जो है ना फिर इंशाल्लाह कल भी मैं आपको अपने व्लॉग में साथ साथ रखूँगी, और परसों भी हो सकता है कि आपको मेरे दो दिन के व्लॉग्स जो है इकट्ठे मिलें, लेट मिले ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं जब जाऊंगी तो मेरा वहाँ पे इंटरनेट का ज़रा इशू होगा, तो इस वजह से शायद मैं अपलोड ना कर सकूँ व्लॉग। आप लोगों को आज का व्लॉग तो आज रात को मिल जाएगा, लेकिन जो कल का मेरा व्लॉग होगा वो आपको हो सकता है कि दो दिन बाद मिले, ठीक है, कल का और परसों का, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ ज़रा इंटरनेट का इशू है, तो इस वजह से हो सकता है, शायद वाली बात है कि मेरे व्लॉग्स आपको लेट मिले। तो चले करते हैं नाश्ते की तैयारी और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ मैं नाश्ते पे। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ ये नाश्ता, आज एग लूँगी, स्लाइस होंगे और साथ में होगी चाय। चाय तो आपको पता है मैं लाजमी लेती हूँ। तो चलें करते हैं नाश्ता, और फिर नाश्ते के बाद क्या क्या होता है वो भी मैं आपसे करूँगी शेयर। तो ना बच्चों को और हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया हुआ है, तो उन्होंने तो कब का कर लिया है, लेकिन मैं रह गई थी क्योंकि मुझे एक फ़ोन कॉल भी आ गई थी और दूसरा मैं कुछ काम कर रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने नाश्ता जो है ना मेरा थोड़ा सा लेट है। और वैसे भी जो है ना मुझे नाश्ता मैं कर लूँ ना तो फिर मेरा ये होता है कि मैं फिर दोपहर की जो मेरी रूटीन होती है ना वो कम ही होती है। तो चलें करते हैं नाश्ता और फिर आप लोगों के साथ करूँगी शेयर कि क्या होता है आगे। अच्छा जी, तो मैंने दरमियान में कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और जो है ना आजकल पता नहीं मौसम कुछ ऐसा हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो ना बस इतनी टूट के मेरे जिस्म में दर्द हो रही होती है ना कि बस मुझसे कोई वीडियो नहीं शूट होती। तो बस मैं यहाँ पर अभी उठी हूँ थोड़ा सा आराम करके, तो अब मैं यहाँ पे इसको करूँगी फोल्ड और बिस्तर की हालत करेंगे दुरुस्त। और अब जैसे कि पता है कि इस टाइम पे होता है टी टाइम, तो चले चाय तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी मज़े की यूनिक चीज़ बनाएंगे जो मैं आप लोगों के साथ करूंगी शेयर, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर जो है ना अभी नहीं मैं बता रही मैं क्या करने लगी हूँ, जब बनाने लगूँगी ना फिर बताऊँगी। तो चले करते हैं अपने बिस्तर की हालत दुरुस्त, और फिर जो है ना आपको आगे दिखाते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो इधर बिस्तर की हालत भी मैंने कर दी है दुरुस्त, तो चलें अब चलते हैं किचन में, और जो है ना किचन में चल के करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो किचन भी वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, वैसे तो कुछ नहीं बस बर्तन ही पड़े हुए हैं। मैं अब यहाँ से जो है ना ये सारा क्लीन करूँगी और बर्तन धोऊँगी, और फिर उसके बाद जो है ना आपसे शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या करने लगी। तो मैं बर्तन धो रही थी, मुझे अचानक ही ऐसे लगा जैसे बादल आ रहे हैं, तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बादल आ रहे हैं और ये बड़ी ही प्यारी हवा चल रही है। तो चलें करते हैं यहाँ पे अपने काम और करते हैं आपके साथ शेयर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बर्तन भी मैंने यहाँ से वाश कर लिए सारे, सिंक भी हो गया है हमारा साफ। तो चलें अब चलते हैं अपने उस काम की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो चलें करें इंतज़ार थोड़ा सा और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अच्छा जी, तो मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। तो जो है ना मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने जहाँ जाना है ना ये सब मैंने उधर लेकर जाना है बना के, तो आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स देख के तो कुछ समझ आ ही गया होगा। हाँ जी, मैं यहाँ पे केक बेक करने लगी हूँ, और वो भी इस देगचे में, ठीक है। कैसे बेक करूँगी, क्या करूँगी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी रेसिपी भी शेयर करूँगी। उसके अलावा मेरा ये लेमिनेसेंस ख़त्म हुआ हुआ था, ये मैं लेकर आई हूँ बाज़ार से, एग्स लाई हूँ, मैदा लाई हूँ, बेकिंग पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था पर बेचारा ना इसकी ना डेट एक्सपायर हो गया, ये देखें। तो कोई बात नहीं, ज़ाया मैं किसी चीज़ को नहीं जाने देती, ये वाला जो है ना मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है।
तो चलें करते हैं बेकिंग की तैयारी और फिर आपके साथ मैं करती हूँ सब कुछ शेयर। लेयर्स आने स्टार्ट हो गए हैं हमारे, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये 200 ग्राम मैंने इसमें बटर डाला है और इसको मैं करूंगी बीट, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के रखे हुए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। एग्स हैं और एसेंस हैं, जो भी करूंगी आपके सामने करूंगी। और साथ में मैंने अपनी शुगर यहाँ पे इसको पीस के रख लिया है, तो ये इसमें ऐड करूँगी। और जो भी मेरी रेसिपी होगी ना, वो मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप पूरी मुकम्मल मेरी रेसिपी ले सकते हैं। तो चलें अभी हम लोग अजाने जो हो रही हैं, तो मैं ना तब तक ऐसा करूँगी कि इसको बीट कर लूँगी, बटर को, सिर्फ बटर को बीट करूँगी। चीनी जो है ना बाद में डालूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने बटर को जो है ना बीट कर लिया, इसमें अब थोड़ी थोड़ी करके मैं शुगर ऐड करूँगी। और इधर दूसरी तरफ ना, अच्छा इधर दूसरी तरफ जो है ना मैंने क्या किया है, इधर दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि ये बहुत इस वक्त गर्म हो रहा है, इसमें ये रख के ना वो जो छाननी होती है और उसको स्टैंड को, और यहाँ पे पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। तो बस मेरा पतीला भी प्री हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है इस टाइम पे, और यहाँ पर मेरे ये भी हो रहा है। और देखिए मैं किस में डालती हूँ, ये मेरे पास एक चकोर है, एक ये है गोल वाला, तो जिसमें भी डालूंगी आपके साथ मैं जो है ना शेयर करूंगी। तो चले मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके शुगर इसमें ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें सारी ऐड करती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक एग भी शामिल कर दिया और साथ में इसके मैं हाफ आ टी स्पून के करीब जो है ना वो ऐड करूँगी लेमन एसेंस, और हाफ टी स्पून के ही करीब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना जो है ये वनीला एसेंस। और बस इसको यहाँ पे जो है ना अब मैं बीट करूँगी और वन बाय वन करके एग डालूँगी, क्योंकि वो आप सबको ही पता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, तो लेकिन ये कि बताना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं वन बाय वन करके इसमें एग्स शामिल करती हूँ, इसको बीट करती हूँ और फिर आपको। तो ये मैंने इसमें दूसरा एग शामिल कर दिया है, तो चलें करती हूँ इसको बीट। बस बेतहानी में मुझसे बीटर जो है बाहर ही ऑन हो गया, तो बस मक्खन ने अपना काम दिखा दिया। अच्छा ये देखिए जिस तरह अब ये हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कडल कडल होने वाला है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा, और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके डालूँगी और एक एग डालूँगी, फिर इस तरह करूँगी। तो फिर ये जो है ना, क्योंकि 2 एग हमने शामिल कर लिए हैं और 2 फिर मैं इस तरह शामिल करूँगी। और फिर जो है ना इसमें मैंने जो है ना 2 कप्स फ्लावर्स के लिए थे, और 1 टीस्पून जो है ना मैंने थोड़ा सा भर के बेकिंग पाउडर का डाला था, और 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें नमक का डाला था। तो चले करते हैं इसको बीट और फिर आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा मैदा डालने के बाद मैंने इसको सिर्फ लो स्पीड पर हल्का हल्का सा किया है, अब मैं साइडेज की करूँगी क्लियर और इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूध, और बस फिर इसके बाद जो है ना फाइनल टचेज आ जाएंगे। दूध मैंने इसमें तकरीबन डाला है 1/4 कप के करीब, 1/4 से 1/2 कप के करीब चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात आपके मैदे पे डिपेंड करता है। तो चलें करते हैं इसको साइडों को क्लीन और इसको जो है ना मिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये स्पैचुला है, इससे भी हम जो है ना ये सारी साइडें क्लीन करेंगे और फिर इसको मिक्स करके जो है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बैटर हो गया हमारा तैयार, और यहाँ पे जो है ना मैंने इस पे ना जो है ना बटर पेपर लगा लिया है, जो ब्राउन वाला पेपर होता है, और इसको अच्छी तरह से पहले भी मैंने ग्रीस किया है, लगाने से पहले भी और लगा के भी इसको ग्रीस कर लिया है। बस इसमें ये बैटर डालती हूँ और इसको करती हूँ बेक। अच्छा जी, तो ये देखिए इसमें मैंने ये बैटर शामिल कर दिया है, इसको जो है ना अच्छी तरह से मैंने टैप भी कर दिया है चारों तरफ से, कि इसमें जो एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएँ। तो चलें इसको करते हैं बेक। थोड़ा सा मैंने इधर बचा लिया है, इसको मैं अलहदा से बेक कर लूँगी। तो चलें मैं ना इसमें रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। दिखाया था ना मैंने इस तरह से इसमें रखा हुआ है, बस इसको मैं बीच में रखती हूँ और फिर जो है ना आपको मैं बाद में बेक होने के बाद दिखाता हूँ। मैं बड़े एहतियात से रखना पड़ेगा कि हाथ ना जल जाए, इसलिए मैंने जो है ना ये ग्लव पहन लिया था। चलें मैं रखती हूँ इसको, फिर बाद ढक्कन जो था ना इस पर आ नहीं रहा था। तो आप लोग भी बेकिंग में ये देख लिया करें, तो क्योंकि मेरा वो जो है ना सांचा बड़ा है, थोड़ा सा बाहर में है, तो मैंने फिर ये मेरे पास इस तरह से डीप वाला ढक्कन था, मैंने वो इस पे दे दिया है। तो बस अब इसको करेंगे बेक, और जो है ना पहले मैं 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी, जिस तरह आप लोग ओवन में करते हैं ना वैसे ही। और चूल्हा जो है ना मैंने वो दरमियानी आँच रखी है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मैंने हाई पर नहीं फ्लेम रखा,
तो जो है ना मैं फिर 15 मिनट बाद इसको चेक करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। चलें होने दें अब इसको। तो मेरे पास ना यहाँ पे सांचा तो है लेकिन वो काफ़ी बड़ा है और उसमें कुछ भी नहीं था भरना, वो ये देखें, क्योंकि कपकेक्स मैंने अभी जो है ना ये सांचा ही मैंने लेकर आने हैं पर मैं अभी नहीं ला सकी, तो फ्यूचर में हुआ इंशाल्लाह ज़रूर लाऊंगी। तो ना ये फिर इसमें मैंने देख ची है मेरी स्टील की, मैंने उसमें ये बैटर डाल दी है, तो मैंने कहा इसको जो है ना बेक कर लेंगे। तो चलें इसको करते हैं साइड पे, यहाँ पे अपने ये बीटर को जो है साफ़ करते हैं इसके आगे से उतार के, और इसको जो है ना फिर संभालते हैं। मेजरिंग स्पून यहाँ पर मैं अपने संभालूंगी, और इधर जो है मेरे मेजरिंग कप्स जो हैं इनको मैं वॉश करूँगी, उनको भी वॉश करूँगी, इनको भी वॉश करूँगी, और इनको अपनी जगह पे संभालूंगी, बेकिंग पाउडर संभालूंगी, क्योंकि बात ये होती है कि ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल बेकिंग में ख़ास तौर पे अदा करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चले करते हैं इनको साइड पे और इनकी जगह पे रखते हैं, और यहाँ पे मैं अपने एसेंस भी संभालूंगी, और मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है इसलिए फ्लैश भी बंद हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ना आपको मैंने ये रीज़न बताना था कि मैंने वनीला एसेंस और लेमन एसेंस इसलिए मिक्स करके डाला है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास बेकरी स्टाइल वाली वो एक अरोमा और एक टेस्ट आए तो आप ये ज़रूर डालें। तो इस वक्त मेरे किचन में जो है ना बहुत ही प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक बेकरी में खड़ी हूँ। तो चलें जब ये होता है बेक तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चेक करते हैं हम इसको, तो क्या इसकी शक्ल, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है, और अभी थोड़ा सा अंदर से ना ये देखिए कच्चा है। तो चलें अभी इसको बेक होने देते हैं और फिर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखने लगे हैं केक की फाइनल शक्ल, तो ये देखें बस हो चला है, मुझे अभी भी दरमियान में से लग रहा है। बहरहाल जो है ना मैं टूथपिक के साथ इसको चेक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी चेक किया है तो थोड़ी सी कसर है इसमें, और ये देखिए थोड़ा सा कच्चा है बीच में से ना, तो जैसे ये फिर होता है तो फिर मैं आपके साथ जो है ना शेयर करती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा इस पर कलर आया, कितना खूबसूरत देख जाए मैं, ठीक है ये बेक हो गया है। तो इसको मैं जो है ना बिल्कुल क्लीन निकल आई थी जो है वो मेरी टूथपिक, उस वक्त मेरा फ़ोन आया हुआ था तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो जो है ना बस अब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर मैं इसको जो है ना निकालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ठंडा हो गया, मैंने इसको निकाल लिया है, और जल्दबाजी में ना थोड़ा सा मुझसे टूट गया क्योंकि मैंने गरम गरम को ज़रा निकाल लिया था। ये देखिए इसके पीछे का कलर कितना ही मज़े का आया है, ठीक है तो लग रहा है कि मैंने इसको उसमें बेक किया देखचे में, तो जो है ना ये साइड से थोड़ा सा हुआ है, बहरहाल कोई बात नहीं। तो बस इस केक को अब मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, जब ये फुल ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो हूँ पैक करूँगी और कल के लिए लेके जाऊँगी। इस पर कुछ भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि ये इतना मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट है, और दूसरे वाला हमारा इधर हो रहा है बेक, मैं उसकी भी आपको नज़ारा करवा दूँ। ये देखिए वाह, चले यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, और मैंने जो है ना रोटी पका के भी फारिग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सालन भी बनाया, सालन में क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें मैं ना फिर अब करती हूँ खाने की तैयारी। जी तो यहाँ पे हम खाने लगे हैं खाना, और आज की हमारे आलू कतली जो है ना बहुत गल गई है, गजारी बात है काम बहुत ज़्यादा था, तो बस कोई बात नहीं खाते हैं खाना और जो है ना उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। ये तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, तो ये ना जो केक मैंने बाद में बेक किया था तो हम लोग वो खाने लगे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है ये देखिए, और जो है ना इस वक्त यहाँ पे लाइट भी बहुत कम है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे वो हो गया ब्राउन ज़्यादा या कुछ, तो ये देखिए कितने मज़े का कलर आया है इस पर। इस साइड से थोड़ा सा वो आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का, ये नीचे भी देखिए कितना प्यारा कलर आया। तो चले उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है ना मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो हम लोग यहाँ पे खाते हैं ये केक, और फिर उसके बाद जो है ना करते हैं तैयारी, और आपको मैं जो है ना इस व्लॉग में शायद कपड़े ना दिखाऊं, मैं अभी से जो है ना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी क्योंकि ना व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलें अभी मैं देखती हूँ कि क्या करना है, तो इसके साथ बनाए पियेंगे चाय, चाय ऊपर रखी हुई है बनने के लिए, और साथ खाएंगे केक। चलें करते हैं इंजॉय। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड,
और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे और हर नकानी फास से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हास्ता के हसद से बचाए, और अल्लाह पाक जो है ना हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले मुझे दीजिए इजाज़त, तो ना मैं यहाँ से ही दूसरा व्लॉग शुरू कर लूँगी अब, क्योंकि ना इस व्लॉग में अगर मैंने आपसे आगे डिटेल शेयर की ना तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा लंबा हो जाए कि फिर आप लोग जो है ना बोर हो जाएं। तो चलें इसको मैं करती हूँ एडिट और इसके बाद ही मैं जो है ना दूसरा व्लॉग शुरू करती हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ ये मैं उस व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। तो मेरी कोशिश है कि एक व्लॉग मैं आपको अभी दे दूँ, एक व्लॉग मैं आपको इंशाल्लाह जाने से पहले सुबह दे दूँ। तो चलें मैं आपसे यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त, तो कल फिर एक नए व्लॉग के साथ होगी आप लोगों से मुलाकात। तो अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। तो अल्लाह हाफिज़।